Omzi mamzi mam bing bing bo tan 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 se tar chi batte chaati se omzi mamzi mam bing bing bo. हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यार, आज भी मेरे पास बहुत सारे माइनक्राफ्ट कम्युनिटी एंड यूडक कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार। वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस यार कर लेना, बिकॉज मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं बीच बॉचो वर्सेज रचित्रू के बारे में। तो ऑलरेडी यार मैंने आप लोगों को अभी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि रचित्रू ने भाई चैलेंज किया था बीच बॉचो को ओनली अप गेम में। एंड ऑल्सो उनका चैलेंज कुछ इस टाइप का था कि बीच बॉचो में रचित्रू दोनों ही लोग अपने अपने चैनल के ऊपर में सेम टाइम पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, जहां पर वो लोग ओनली अप गेम को खेलेंगे। एंड सबसे पहले अपने लाइव स्ट्रीम में जो बंदा ओनली अप गेम को यार कंप्लीट कर देता है वो विनर होगा इस चैलेंज का। एंड आल्सो उसको मिलने वाले हैं 50,000 रुपीस। तो आल्सो यार इस वाले चैलेंज को अभी बीस्ट वॉशरूम ने एक्सेप्ट कर लिया है। यस, तो लाइक होता क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रचित्रू ने ये वाला ट्वीट किया था। तो इसे ट्वीट के नीचे में यार बीस्ट वॉशरूम को सबसे पहले तो पता नहीं था कि वो किस गेम के चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर वो पूछते हैं कि कौन सा गेम खेलना है लाइव स्ट्रीम पे, जिसमें रचित्रू उनका रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं ओनली अप डेट 9 जुलाई संडे, मतलब ये वाला यार जो चैलेंज है वो होने वाला है 9 जुलाई को। अब इसी के नीचे यार बीस्ट वॉशरूम इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। एंड उन्होंने ट्वीट किया एंड वो कहते हैं ब्रो आई लिटरली like completed 20% of the game yet, but sure I accept. This is legit, right? Because I am coming for that sweet money. It also makes sense to stream this particular game anyway, so I am up for this. तो basically यार Beast Boss अब यही कहना चाहते हैं कि मैंने अभी तक तो भाई 20% इस game को complete किया है, like मैंने अभी पूरा complete नहीं किया है, but फिर भी यहाँ पर पैसे की बात है भाई, 50,000 रुपए की बात है, तो मैं accept करता हूँ इस stream के challenge को। तो यार भाई 9th of July को आने वाला है बहुत ही तगड़ा मजा, हमें रचित्रू वर्सेस बीस्ट वॉशरूम का भाई एक चैलेंज देखने को मिलेगा ओनली अप गेम का। बाकी आप लोग इस चैलेंज के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई फुकरा इंसान ने बिग बॉस में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यस, अब लाइक हुआ क्या, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस वीक के लिए यार 3 लोग नॉमिनेटेड हैं बिग बॉस से। सबसे पहले फुकरा इंसान, आकांक्षा पुरी एंड जिया शंकर। एंड इन तीनों लोगों में से यार जिनका सबसे ज्यादा कम वोट होगा वो घर से निकाल दिए जाएंगे, एंड जिनके 2 लोग के सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो लोग जाएंगे एविक्ट होने से। एंड अगर यार वोट्स की बात करें कि तीनों में से सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं, तो आप लोग अगर अपने स्क्रीन पर देख पा रहोगे फुकरा इंसान को अभी तक भाई 2.1 मिलियन से भी ज्यादा वोट्स मिल चुके हैं। वही बात आई जिया शंकर की तो उनको 80,000 से ज्यादा, एंड आकांक्षा पुरी के भी भाई 80,000 के आसपास हैं। एंड ये जो आप लोग यार वोटिंग के नंबर्स देख रहे हो फुकरा इंसान के 2.1 मिलियन वोट्स, इतने भाई किसी को बिग बॉस के फाइनल में भी नहीं मिलते हैं वोट्स वगैरह। एंड अभी सिर्फ सेकंड थर्ड वीक है, इसमें ही फुकरा इंसान को 2.1 मिलियन वोट्स मिल चुके हैं। अब इमेजिन करो अगर फुकरा इंसान भाई फाइनल में होंगे एंड उस टाइम भाई वोटिंग होती है तो उनको कितने ज्यादा वोट्स मिलेंगे भाई, लिटरली मेरे को लग रहा है 10 मिलियन भी क्रॉस कर जाएंगे। बाकी आप लोगों की क्या कुछ ओपिनियंस है इस चीज पे भाई मेरे को कमेंट्स पे जरूर बताना। एंड पर्सनली यार मैं खुद भी चाहता हूं कि इन तीनों में से जो जाए वो है यार जिया शंकर, बिकॉज भाई जिया शंकर अभी दोगला गेम खेल रही हैं। आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि पहले जिया शंकर भाई अपने फुकरा इंसान से काफी अच्छे से बात करती थी, एंड अभी के टाइम पे भाई उनको अभी पीछे पीछे जाके गालियां देती हैं। तो मैं तो पर्सनली यही चाहता हूं कि जिया शंकर निकल जाए घर से। बाकी आप लोग क्या चाहते हो भाई मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज़ भी फुकरा इंसान से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये वाला सीजन जब बिग बॉस का भी स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे फुकरा इंसान एंड जिया शंकर की दोनों ही लोग की बहुत अच्छी भाई दोस्ती वगैरह थी। दोनों ही लोग अच्छे तरीके से घर में रहते थे, दोनों लोग यार काफी ज्यादा प्यार से रहते थे, काफी ज्यादा प्यार से बातें भी करते थे। बट अगर अभी यार आप लोग एपिसोड्स वगैरह फॉलो कर रहे हो बिग बॉस में तो आप लोग को पता होगा भाई जिया शंकर जो है वो फुकरा इंसान से बिल्कुल भी भाई अब तो बात वगैरह भी नहीं करती हैं, वो उनको बल्कि गालियां वगैरह बकती हैं। अब इस चीज से यार काफी सारे जो फुकरा इंसान के फैंस हैं वो जिया शंकर से गुस्सा भी हैं कि भाई ये लड़की बहुत ज्यादा दोगली है, इसने फुकरा इंसान का यूज कर लिया एंड अभी उसको छोड़ दिया। तो बेसिकली जितने भी यार फुकरा इंसान के फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि जो जिया शंकर है वो यार बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, उन्होंने धोखा दे दिया फुकरा इंसान को एंड वो दोस्ती के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भाई फुकरा इंसान का बिग बॉस में सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है, इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए जो फुकरा इंसान की बहन है उन्होंने कल एक ट्वीट किया एंड वो कहती है वन ओनली रियल फ्रेंडशिप दैट आई शेप ऑन बिग बॉस ओटीटी 2 टिल नाउ इज दैट ऑफ अभिषेक एंड मनीषा, बाकी सब मतलब के हैं यार। तो बेसिकली यार फुकरा इंसान की बहन भी यही कहना चाहती है कि जो मनीषा रानी है वो फुकरा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त है अभी के टाइम पे बिग बॉस में,
एंड पर्सनली मेरे को भी यार ऐसा ही लगता है बिकॉज मनीषा रानी एंड फुकरा इंसान की अच्छी खासी बॉन्डिंग है। बाकी आप लोगों की क्या कुछ ओपिनियन है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट न्यूज मेरे बिग बॉस रिलेटेड है, तो कल बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू यार एंट्री हुई अब्दुल रोजिक की। यस एंड आते ही भाई अब्दुल रोजिक ने सारे ही कंटेस्टेंट को लाइक सारे ही घर वालों को भाई गंदे लेवल पे रोस्ट कर दिया। एंड सबसे पहले तो भाई अब्दुल रोजिक ने बिग बॉस को ही रोस्ट कर दिया था। अब लाइक होता क्या है मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लाइक जब यार वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू एंट्री होने वाली होती है अब्दुल रोजिक की, उस टाइम पे यार बिग बॉस ये डिसाइड करते हैं कि सारे घर वालों को यार ये सरप्राइज देंगे कि भाई अब्दुल रोजिक आए हैं। एंड बिग बॉस ने अनाउंस किया कि सारे ही कंटेस्टेंट जितने भी घर में हैं वो एक एक करके यार कन्फेशन रूम में आए। एंड कन्फेशन रूम में यार अब्दुल रोजिक को बैठाया गया था, तो एक एक करके यार सारे ही लोगों को बुलाया जाता है। एंड वहां पर उनको ये बोलते हैं बिग बॉस कि आपको अब्दुल रोजिक को ये बताना है कि अब्दुल रोजिक को किन किन लोगों से घर में बच के रहना चाहिए, किन लोगों से बात नहीं करना चाहिए, ऑल्सो उन्हें किन लोगों से बात करना चाहिए। एंड सबसे पहले यार जिनको बुलाया जाता है अब्दुल रोजिक से मिलने के लिए वो है भाई अपनी प्रिंसिपल पूजा भट्ट। एंड उन्होंने अब्दुल रोजिक को ये कहा कि आपको भाई कुछ लोगों से नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि आकांक्षा हो गई एंड जैसे कि कुछ और लोगों का भी वो नाम लेती हैं कि उनको उनको आपसे नहीं मिलना चाहिए। एंड जब सारे एडवाइसेस यार पूजा भट्ट दे देती हैं एंड वो जब चली जाती हैं तो लास्ट में बिग बॉस ने अब्दुल रोजिक से ये कहा कि आपको पूजा भट्ट की एडवाइस कैसी लगी। तो भाई इतना सैवेज रिप्लाई किया अब्दुल रोजिक ने, उन्होंने ये कहा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं जब घर में जाऊंगा तो भाई मैं खुद देख लूंगा कि मुझे किससे बात करनी है, किससे दूर रहना है या फिर किससे बात नहीं करनी है। एंड भाई ये वाला रिप्लाई काफी सैवेज दिया था अब्दुल रोजिक ने। एंड ऑल्सो अब्दुल रोजिक ने सारे ही कंटेस्टेंट को भी काफी गंदे तरीके से रोस्ट कर दिया था। तो लाइक होता क्या है कि जब अब्दुल रोजिक की यार एंट्री हो जाती है बिग बॉस के घर में, तो सारे ही कंटेस्टेंट ने ये पूछा कि अब्दुल क्या आप हमारा शो बिग बॉस बाहर से देख रहे थे, जिसका अब्दुल ने रिप्लाई किया नहीं मैं बहुत बिजी था, मैं सारा दिन काम करता रहता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं देखूं, एंड मैं 2400 घंटा बिजी रहता हूं। एंड काफी खतरनाक लेवल पे भाई रोस्ट कर दिया था बिग बॉस का सारे ही कंटेस्टेंट को यार अब्दुल रोजिक ने। बाकी आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं कैरे मिन्नाटी के बारे में। तो क्या हमें बहुत जल्दी बिग बॉस वर्सेस यूट्यूबर्स की कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है? अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा यार कि पास्ट डेज में हमें यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की तो भाई कंट्रोवर्सी देखने को मिली ही, जिसमें काफी खतरनाक लेवल पे भाई टिकटॉकर्स की हालत खराब हो गई थी। तो क्या अभी हमें बहुत जल्दी बिग बॉस वर्सेस यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी? तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप लोग को अभी पता ही यार कि बिग बॉस बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इसी रिलेटेड यार बात करते हुए कैरे मिन्नाटी ने कल एक ट्वीट किया था एंड वो कह रहे थे यार मुझे रिग्रेट हो रहा है, काश मैं अभी बिग बॉस पर वीडियो बना पाता। एंड कैरे मिन्नाटी की इसी ट्वीट का यार पीपॉय भी रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मैदान खुला हुआ है। इसके बाद में यार पीपॉय ने एक और भी रिप्लाई किया कैरी की इसी ट्वीट का एंड वो कहते हैं बिग बॉस वर्सेस यूट्यूबर्स लेट्स प्ले द गेम। एंड यस यार अगर इस बार कैरे मिन्नाटी ने बिग बॉस का रोस्ट किया लाइक इस वाले बिग बॉस का, तो भाई अलग लेवल की हाइप बनेगी, बिकॉज आप लोग को पता होगा कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे क्या हुआ था। एंड भाई मैं तो चाहता हूं कि कैरे मिन्नाटी रोस्ट करें इस बार के बिग बॉस को, एंड भाई खतरनाक लेवल की हाइप बनने वाली है अगर वो रोस्ट करते हैं तो। बाकी आप लोगों के क्या कुछ ओपिनियंस है इस चीज पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो ऑलरेडी यार आप लोगों को पता होगा कि अभी पास्ट डेज में सौरभ जोशी के साथ में भाई काफी ज्यादा गलत सीन होते रहते थे, लाइक उनके जो सब्सक्राइबर है वो विदाउट एनी परमिशन भाई उनके सोसाइटी में आ जाते थे एंड उनके गार्ड वगैरह को भाई परेशान करते थे। बट अब यार जो बात है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, लाइक सौरभ जोशी जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी वालों ने यार सौरभ जोशी को लास्ट वार्निंग दी है कि अगर अब ऐसा कुछ होता है तो आप लोग को भाई सोसाइटी से निकाला जाएगा। अब बाकी इसके रिलेटेड सौरभ जोशी का क्या कुछ रिएक्शन था देखिए आप लोग। गाइस आज घर में सभी बहुत सैड है, बिकॉज अभी जो हुआ है ना, अभी हमारे पास आया एक नोटिस जो कि सोसाइटी वालों ने भेजा है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है बहुत कुछ। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था, मैं दुबई गया था तो मेरे पीछे से सब्सक्राइबर कर होंगे, तो उन्होंने गार्ड के हाथ में बदतमीजी की हाथपाई वगैरह भी कर ली, तो उस वजह से ना सब ब्लेम हमारे ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर आ रहा है। तो अब नोटिस आ गया सोसाइटी की तरफ से, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये देख के ना बहुत बुरा सा लग रहा है मेरे को भी, पूरी फैमिली को भी। तो हाँ बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, और एक मतलब स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, अब अगर सोसाइटी के बाहर कोई आएगा या फिर घर के बाहर कहीं भी, सोसाइटी के अंदर बाहर कहीं भी, गेट के बाहर सोसाइटी के बाहर कहीं भी आएगा, तो मैं किसी से ना मिलूंगा ना मैं फ़ोटो खिंचवाऊंगा सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के बाहर। तो हाँ ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, चाहे आप मुझे रूड समझो चाहे कुछ भी एटीट्यूड वगैरह कुछ भी समझो, बट हाँ अब मेरे पास नोटिस आ चुका है। ओके सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं गेमर फीड के बारे में। तो ऑलरेडी यार आप लोगों को पता होगा कि गेमर फीड की भाई वन ब्लॉक सीरीज कितनी ज्यादा फेमस है, वो अप्रॉक्स 8 महीने से उस सीरीज को रन कर रहे हैं, बट अभी फाइनली यार उनकी वन ब्लॉक सीरीज एंड हो चुकी है। यस एंड उन्होंने अपने लास्ट वीडियो भी अपलोड कर दिया है वन ब्लॉक सीरीज का, एंड उस वीडियो में यार वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। एंड ऑल्सो आप लोग को पता होगा कि गेमर 30 डेज का चैलेंज भी कर रहे थे, 30 वीडियोज का, तो वो चैलेंज भी उनका कल ही कंप्लीट हो गया।
अब आके उसी वीडियो के रिलेटेड ही बात करते हुए वो अपने रीसेंट वाली वीडियो में कुछ कहते हैं, देखिए आप लोग। आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में एक लास्ट बार। बिल्कुल सही गाइस, 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, लास्ट दिन है और लास्ट टाइम हम लोग जाने वाले हैं अपने वन ब्लॉक वर्ल्ड में। ये कैसी आयरनी है मेरे को नहीं पता भाई, लेजेंड हम लोगों का चैलेंज भी एंड हो रहा है और चैलेंज के साथ साथ एक पूरा वर्ल्ड एंड होने वाला है हमारा, जो कि होगा हमारा वन ब्लॉक वर्ल्ड। सो गेट रेडी यार, आज लास्ट टाइम में और जैक जाएंगे हमारे वन ब्लॉक वर्ल्ड के अंदर। जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक करना गाइस, आज लाख लाइक का गोल नहीं लगा रहा हूँ मैं, आज लगाऊंगा पूरे 105,600 लाइक का गोल। तो जिसने भी लाइक नहीं करा है लाइक कर देना, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल, थैंक यू सो मच यार 30 दिन 30 वीडियो चैलेंज पे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। लाइक मैं मजाक नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में मेरी तबीयत खराब थी, फिर तुम लोगों का इतना सपोर्ट देगा, दिल से बता रहा हूँ। एक वो होता ना पॉजिटिविटी आती तो और अच्छा हो जाता है, तो वो चीज हो गई। सो थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं गेमर फिट अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट भी किया, जिसमें वो बेसिकली आप लोगों से यही पूछते हैं कि 30 वीडियोस चैलेंज के बाद में यार वो क्या आप 100 डेज की वीडियोस की भी चैलेंज करें। तो यार अगर आप लोग चाहते हो कि वो 100 डेज 100 वीडियोस का चैलेंज करें तो आप लोग उनको जाके बता सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं टेक्नो ब्लेड के बारे में। तो अभी यार टेक्नो ब्लेड के डेथ को हो चुका है पूरा 365 डेज या फिर एक साल, एंड उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए टॉमी इनिट ने भी अपने चैनल पे काफी क्रेजी से भाई वीडियो को अपलोड किया, जिसमें वो पास्ट के दिनों को बताते हैं जो कि उन्होंने टेक्नो ब्लेड के साथ में भाई स्पेंड किया है। एंड इसी के रिलेटेड यार बात करते हुए टॉमी इनिट ने एक ट्वीट भी किया, एंड वो कहते हैं आई मिस यू सो मच ब्लड गॉड, टेक्नो ब्लेड नेवर डाइज। एंड यार आप लोग भी यार सारे लोग कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना टेक्नो ब्लेड नेवर डाइज, बिकॉज भाई हमारे लेजेंड के 365 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपनी लास्ट न्यूज सेगमेंट की तरफ, जो कि है यूट्यूबर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक यार सबसे पहले एपिक डेपिक की नई वीडियो आज की है, स्मार्टिफाई की हिमलैंड्स की नई वीडियो आज की है, एज्यूर टिनिप की नई वीडियो आज की है, कैश की नई वीडियो आज की है, मिथपैट की नई वीडियो आज की है, बल्कि स्टार की भी नई वीडियो आज की है। तो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार बस अभी के लिए इतनी न्यूज थे, जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तो नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। न्यूज सबमिशन के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज सबमिट करना। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।